कमेंट्स दिखा रहे, जाना फोन दिखा रहे। 13+ आएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता जी। नाइस। हेलो सुषमा जी, हाय वैशाली जी, हाय अपेक्षा जी। आज हमारा आइसक्रीम का फ्री लाइव क्लास का फर्स्ट सेशन है। जैसे कि मैंने बोला था, जैसे ही मेरे 10K हो जाएंगे तो मैं आपको देऊंगी, तो इसमें आप ही लोगों का सहयोग है मेरे को इस लेवल पर पहुंचाने के लिए, और मैं चाहती हूँ आपका ऐसा ही प्यार बना रहे। हाय सुमन जी, हाय सविता जी, हाय किरण जी। आज हम विदाउट केमिकल आइसक्रीम बनाएंगे। आज हम जो मतलब मेन जो हमारा आइसक्रीम आज का रहेगा वो वनीला और विदाउट केमिकल का रहेगा, और नेक्स्ट में हम विद चॉकलेट वाला बताऊंगी। तो मैं आपको, हाय जानवी जी, मैं आपको केमिकल के साथ वाला भी बताऊंगी, और आज हमारा विदाउट केमिकल वाला है। लेकिन मैं आपको 3-4 पार्ट में सब फ्लेवर्स और सारा सब है ना वो कंप्लीट करवा दूंगी आइसक्रीम में। हाय सोनिया जी, देखिए आइसक्रीम में क्या होता है, हमें सबसे पहले जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो आइस क्रिस्टल्स की होती है, है ना। हमें आइस क्रिस्टल है वो आइसक्रीम में कभी कभी फाउंड हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें, देखिए मिल्क होता है उसमें पानी का बहुत सारा, हाय सोनिया जी, उसमें बहुत सारा वाटर की क्वांटिटी होती है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसे एजेंट है, हाय शेखर जी, जो हमें ऐड करने होते हैं ताकि हमारा जो वाटर का जो भी पार्ट है वो हमें क्रिस्टलाइजेशन के रूप में नहीं मिले। हाय शालिनी जी, आपको क्या करना, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही टाइम का डाला था, आपको पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ना, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब देखिए गर्मी का सीजन आ रहा है, और हेलो निधि जी, तो आप आइसक्रीम बनाइए और एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम मार्केट देखिए, मैं आज जो आपको आइसक्रीम आप इस प्रोसेस से बनाओगे आपकी मार्केट से भी ज्यादा अच्छी बनेगी। और देखिए जो विद जीएमएस आज मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो भी बनाओगे तो भी देखिए मार्केट से भी अच्छी बनेगी, दोनों ही प्रोसेस से। हाय नीतू जी, तो आपको देखिए ये जो पीडीएफ है ना वो आपको आज तो नहीं मिलेगा, मैं इंग्रेडिएंट्स है वो मेंशन कर दूंगी ताकि आप बना सको, लेकिन फुल पीडीएफ है वो मैं पूरी क्लास कंप्लीट करने के बाद में पूरा पीडीएफ है वो मैं आप सबको भेज दूंगी, उसमें आप वरीज नहीं हो, ठीक है ना। तो आज हमारा जो भी रहेगा, सबसे पहले हमें थैंक यू वैशाली जी, देखिए जो रेगुलर क्लास लेते हैं उनको तो पता ही है, बट फ्री लाइव में बहुत सारे लोग नए भी जुड़े होते हैं जिनको पता चलता है, और आप लोगों के सहयोग से ही देखिए मैं 10K के लेवल को अचीव किया है। तो इतना तो आप लोगों का हक बनता है कि मैं कुछ तो आपको कुछ स्पेशल सिखाऊं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आइसक्रीम का एक बेस है वो तैयार करना होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी आइसक्रीम है वो क्रिस्टल फ्री बने, उसके लिए हमें, और हम कोई भी केमिकल है वो भी नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें जो मिल्क लेना है वो फुल क्रीम मिल्क लेना है, यानी आपको गाय का दूध नहीं लेना है, फुल क्रीम। आप एनी ब्रांड ले सकते हो, आप भैंस का दूध ले सकते हो, या आपका जो भी लोकल अमूल, आपको सबको आवाज और वर्कप्लेस क्लियर है, तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो भी मिल्क हो उसको आपको फुल क्रीम मिल्क लेना है, यानी जो गोल्ड मिल्क होता है एनी ब्रांड, जैसे
जैसे अमूल का गोल्ड है या आपके लोकल जो भी ब्रांड चलता हो उसका आपको हाँ फुल क्रीम मिल्क लेना है। यदि आप गाय का दूध लोगे तो आपको फिर क्रिस्टलाइजेशन वाली प्रॉब्लम है वो फेस होगी दोनों ही तरह की आइसक्रीम में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेस है वो तैयार करेंगे। दूध ले सबसे पहले देखें इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। मिल्क का वो हमें चाहिए, आप जो भी कप लोगे चाहे आप 200 ml का लो या 250 ml का लो, आपके पास जो कप है उसी से आप मेजरमेंट लोगे। थैंक यू शालिनी जी, आप जितना शेयर करोगे उतना ही आप मतलब जैसे ही जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो वो इसका इसको बना सकेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमें देखिए पहले क्या करना है, 1 cup + 2 tablespoons जो भी आप कप का मेजरमेंट चाहे आप 200 ml का रखो या 250 ml का रखो आपको वही रखना है मेजरमेंट है वो। जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ 250 ml का कप, थैंक यू शेखर जी। ये सब आप लोगों के लिए, आप लोग ही इसके बधाई के पात्र हो, ठीक है ना। आप लोगों का इतना प्यार मिला कि हम इस लेवल तक पहुंच गए और आगे भी देखिए मेरे को थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता है तो लाइव मेरे से कम आया जाता है। एक कप मैंने मिल्क लिया है, मैंने यहाँ सरस का यहाँ जैसे हमारे लोकल आता है गोल्ड का वो दूध लिया है और ये 2 tablespoons। यहाँ मेजरमेंट है ना वो आपको परफेक्ट मेजरमेंट लेने हैं, देखिए। थैंक यू अपेक्षा जी। यहाँ मैंने 1 cup + 2 tablespoons फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, 1 tablespoon देखिए टेबलस्पून के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जो ये हमारा जिसपे TBSP लिखा हुआ होता है वो वाला टेबलस्पून होता है। तो इतना लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर जो मैं इसमें डाल दूंगी। अब यहाँ हम GMS CMC कुछ नहीं डाल रहे हैं तो हमें थिकनर के रूप में जो हमारे आइसक्रीम को क्रिस्टलाइजेशन से रोकेगा वो है यहाँ कॉर्नफ्लोर। इसके अलावा इसको एक बहुत ही रिच टेस्ट देने के लिए यहाँ मैंने 1/4 cup लिया है मैंने मिल्क पाउडर जो भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसी के साथ ही हमें चाहिए 1/4 cup शुगर जो कि आप ले सकते हो ग्रेनुलेटेड शुगर या फिर आप पाउडर शुगर कोई सा भी शुगर ले सकते हो। इन सब को मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने अभी गैस को चालू नहीं किया है, इसको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी। यहाँ सबको आपको कोई दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ गैस की फ्लेम मैं ऑन कर दे रही हूँ, पंखा बंद कर दिया। इसको हमें बॉईल आने तक कंटिन्यूअसली व्हिस्क करना है। ये हमारा वनीला बेस बनेगा, चॉकलेट बेस है वो मैं नेक्स्ट जब लाइव आऊंगी तब आपको बताऊंगी चॉकलेट बेस है वो, ठीक है ना। ये हमारा अभी आइसक्रीम का बेस है वो तैयार हो रहा है। इसको हमें कंटिन्यूसली है ना स्टीर करना है तक हमारा जो पैन है वो भी थिक बॉटम वाला होना चाहिए ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर और नीचे चिपके नहीं। जब तक बॉईल नहीं आ जाए तब तक हमें इसको कंटिन्यूसली व्हिस्क करना है। कोई क्यों भी वो तो बता देंगे।
आपको कोई भी क्यूरी हो आप फील फ्री होके आराम से पूछ सकते हो। हमारा इसमें बॉईल आना चाहिए और बॉईल आने के बाद 1 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। गैस को हम मंदा कर देंगे और फिर हम इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि हमारा कॉर्न फ्लोर है उसमें कच्चापन है वो नहीं रहे। हमारा है ना इसमें बॉईल आ गया है, आपको दिखाती हूँ। और गैस की फ्लेम है वो मैं अब इसको मंदा कर देती हूँ ताकि 1 मिनट हमें कुक करना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ये मिक्सचर है वो नीचे से चिपकना नहीं चाहिए और जलना नहीं चाहिए, नहीं तो एक बर्निंग स्मेल है वो फिर आ जाती है। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसको कुक कर लिया है। एक स्पून लेंगे। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। ये हमारा अब ये जो हमारा मिल्क वाला बेस है ये रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप। अब हमें इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम क्लिंग व्लिंग करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। करना है ताकि इस पे कोई ऊपर परत वगैरह नहीं आए। और फिर हम इसको क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए हमें रखना है। ठंडा होने के बाद ही हम इसको आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं। आप इसको बना के भी रख सकते हो और फ्रिज में सेट होने के लिए आपका आराम से महीने भर चल जाएगा। रिपीट द रेसिपी मोनिका जी। अभी मैंने 1 कप मैंने यहाँ यूज किया है, ये वाला 250 ml वाला कप। 1 कप + 2 टेबल स्पून लिया है मैंने। ओके ओके मैं कर रही हूँ। 1 कप + 2 टेबल स्पून लिया है मैंने फुल क्रीम मिल्क। उसके अंदर 1/4 कप डाला है मैंने शुगर। 1/4 कप ही डाला है मैंने मिल्क पाउडर। 1 टेबल स्पून डाला है मैंने कॉर्नफ्लावर और उसको मैंने कुक किया है। ये हमारा प्रणाम काकी साहब। तो ये हमारा बेस हो गया रेडी और अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में। कम से कम आपको 2 आवर्स के लिए इसको चिल करना है और उसके बाद यदि आप इसको बना के रखो तो महीने भर तक डीप फ्रिज में बना के रख सकते हो। जब भी आपको आइसक्रीम रेडी करना हो तब आप क्या करोगे, इसको यूज करोगे। अब हम अपना ये एक मैंने कॉमर्शियल आइसक्रीम प्रीमिक्स का क्लास मैंने ले रखा है पूनम जी, आप ले सकते हो क्लास। अभी हमारा परसों आएगा कुल्फी प्रीमिक्स का क्लास। किसी को लेना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हो और वो भी क्लास हमारा 100 सेंचुरी वाला क्लास होगा। यानी हमने 100 क्लास है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी सैटरडे को, परसों। सैटरडे वाले परसों तो गुरुवार है ना। हाँ ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट
अभी मैं आपको दिखाती हूँ अनीता जी, देखिए अब मैं लूंगी यहाँ व्हीपिंग क्रीम। व्हीपिंग क्रीम चाहिए हमें 1 कप और 1/4 कप यानी 1/4 कप। यहाँ आप एनी ब्रांड व्हीपिंग क्रीम ले सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड है वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। हमारा व्हीपिंग क्रीम है वो चील्ड होना चाहिए। आपको व्हीपिंग क्रीम हम डीप फ्रिज में रखते हैं, आपको उसको निकाल के फ्रिज में रख देना है ताकि वो चिल्ड भी हो और लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए। यहाँ मैंने 1 कप ले लिया है व्हीपिंग क्रीम और मेरे को 1/4 कप और चाहिए। देखिए मेरा जब भी लाइव आने का होगा तो मैं सडनली आती हूँ, तो आप पेज को फॉलो करके रखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि टाइम का हमारे कोई वो फाइनल नहीं है कि कब। हम भी आपकी तरह हाउसवाइफ है और घर के काम रहते हैं, तो आप लोग पेज को फॉलो करोगे आपके पास नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने 1/4 कप लिया है। अब हमें मेन चीज जो आइसक्रीम बनाने में चाहिए वो चाहिए हमें ये बीटिंग व्हिप करने की जो ये बीटर होता है वो चाहिए। नेम क्या बोल रहे हैं, अच्छा इसमें डालना तो अब हमें इसको मैं इसको व्हिप करूंगी। व्हिप हमें मीडियम स्टेज तक करना है, बहुत हमें स्टिक पिक भी नहीं चाहिए, मीडियम करना है। तो मैं अभी व्हिप कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। पहले मैं स्टार्ट में सबसे लो रखूंगी और उसके बाद मैं इसको हाई पे ले जाऊंगी। बस ये हमारा बिल्कुल
सील्ड होना चाहिए। अब हमें इसको वापस अच्छे से बीटर से मिक्स कर लें। शुगर को टेस्ट बेटर उसी या कंडेंस मिल्क को? शुगर को टेस्ट बेटर मतलब शुगर ऐड करा है या कंडेंस मिल्क? मतलब नहीं, कंडेंस मिल्क ऐड करने से एक रिचनेस आती है आइसक्रीम में। ये हमारा आइसक्रीम का प्लेन बेस तैयार हो गया। देखिए हमारी बहुत ही क्रीमी, देखिए इसका टेक्सचर देखिए। आप इस प्रोसेस से बनाइए, फिर देखिए आपकी मार्केट जैसी बनती है या नहीं। शुगर नहीं लिखा है, शुगर लिखने भूल गई, कोई नहीं, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। शुगर चाहिए? शुगर तो हमने बेस में डाला है, शुगर को हमने बेस में डाला है। यहाँ हमने 1/4 कप मिल्क मेड डाला है, और जो बेस मैंने अभी आपके सामने तैयार किया था इसी को मैंने पहले ठंडा कर रखा है, और ये मैंने इसमें ऐड किया है। तो प्लस ट्वेल्व हो गया था एक मिनट चेक कर लेती हूँ मैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं है तो मैं करेक्शन है वो करवा देती हूँ। अब हमें सबसे पहले जो हमारी बेसिक आइसक्रीम होती है वो होती है वनीला। वनीला आइसक्रीम है जो हमारी सबके साथ, चाहे हमें ब्राउनी के साथ खानी हो या हमें गुलाब जामुन के साथ खानी हो, सबकी फेवरेट होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली आइसक्रीम विदाउट जीएमएस और सीएमसी है। नेक्स्ट जब हमारा लाइव होगा तो हम वो भी बताएंगे आप जीएमएस और सीएमसी के साथ। ये विदाउट केमिकल है, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं वनीला एसेंस, जो कि आपको 1 TSP तक ऐड करना है पूरी आइसक्रीम में। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारी प्लेन वनीला आइसक्रीम है वो रेडी हो गई है, इसको हम डीप फ्रीज में डाल देंगे। अब हमें इसको, जब भी आइसक्रीम को हमें फ्रिज होने के लिए रखना है, तब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो भी, जिसमें भी हम, वो हमारा एयरटाइट कंटेनर है वो होना चाहिए। यदि हमारा कंटेनर भी एयरटाइट नहीं होता है तो भी क्रिस्टलाइजेशन होने का रहता है। ये हमारी वनीला आइसक्रीम है। अब आपको सपोज कीजिए, अब एक आप प्रोसीजर और कर सकते हो, इसके ऊपर जो बटर पेपर है या बेकिंग पेपर, जैसे ये डब्बे होते हैं बिल्कुल एयर टाइट, ये हमारी वनीला आइसक्रीम रेडी है, जा रही है फ्रिज में। नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारी केसर पिस्ता, जो कि बहुत ही
कॉमन और सबकी फेवरेट होती है। इसके लिए मैंने देखी केसर है, उसको मिल्क के अंदर डिजोल्व करके रखा हुआ है। ये नेचुरल जो केसर के धागे होते हैं इसको हमने डाला है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। इसके साथ ही लिटिल बिट एक दो ड्रॉप में डालूंगी केसर एसेंस। एसेंस आपके पास फैब के जो भी हो आप यूज कर सकते हो, यदि आपके पास इमल्सन हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। आप ओनली केसर बना सकते हो, केसर पिस्ता दोनों साथ में बना सकते हो। डार्क चाहिए तो मैं इसमें एक दो ड्रॉप कर दूंगी येलो कलर ऐड। यहाँ थोड़ा सा मैंने एसेंस ऐड किया है। अबीना जी आप इसको आप लोग ट्राई करें जरूर, सबके घर में रहता है सामान, बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम वो विदाउट केमिकल वो तैयार होती है। लिटिल बिट मैंने येलो कलर डाल दिया है। ये हमारी केसर आइसक्रीम तैयार है। इसके अंदर हम थोड़े से पिस्ताचू डाल देंगे तो हमारी केसर और पिस्ता तैयार हो जाएगी। देखिए केसर पिस्ता सबकी फेवरेट होती है। बहुत ही अच्छी सी केसर की अरोमा आ रही है और हमने नेचुरल केसर को यूज किया है। आप मार्केट से लाओगे तो सिर्फ कलर और एसेंस ही होता है, इसीलिए हमेशा घर के जो भी बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी और बेस्ट होती है। थोड़े से पिस्ताचू है वो इसके ऊपर। ये हमारी केसर पिस्ता आइसक्रीम। मिल्क लिया है मैंने 1 कप और 2 टेबल स्पून। फुल फैट मिल्क है वो हमें लेना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे हमने अभी वनीला बनाया है, अभी केसर पिस्ता बनाया है, तीसरा हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो यहाँ आप देखिए ये मेरे पास, थैंक यू शिवांगी जी, आप लोगों ने तो आइसक्रीम की क्लास ले भी रखी होगी, तो यहाँ आपको कोई भी क्रश से आप आइसक्रीम में वो बना सकते हो। आपको 2 टेबल स्पून जितना क्रश डालना है और 1 टेबल स्पून जितना चीनी है वो, हाँ हमेशा भैंस का या फुल क्रीम मिल्क है वो ही लेना है। हमें उसको चिल कर लेना है और आप उसको फ्रीजर में भी रख सकते हो, खराब नहीं होएगा। यदि आपने सपोज कीजिए 2-4 घंटे पहले बना दिया तो आप उसको फ्रीजर में रख दीजिए, वो महीने भर भी आप उसको रख सकते हो। हाँ बिल्कुल, अभी रमजान चल रहा है, आप जरूर ट्राई करें। आइसक्रीम की सेल्फ लाइफ देखिए, आइसक्रीम ये आपकी कोई भी चीज हम डीप फ्रीज में डाल देते हैं तो वो महीने 2 महीने बस बिजली और जाने वाला इश्यू नहीं होना चाहिए, लाइटें वगैरह नहीं जाती है तो आइसक्रीम कोई भी खराब नहीं होती है, ठीक है ना। अब हमें
थर्ड हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी का क्रश है, वो हम क्रश का जब भी यूज करेंगे आइसक्रीम में तब हम क्या करेंगे, एक टेबल स्पून जितना शुगर है वो हम कम कर देंगे। जैसे यहाँ मेरे पास पाइनएप्पल का भी क्रश है, ये सारे मेरे होममेड है, और यहाँ मेरे पास स्ट्रॉबेरी का भी है, और फ्लेवर देने के लिए ये मेरे पास इमल्सन है स्ट्रॉबेरी का, तो ये मैं डालूंगी। आपके पास इमल्सन नहीं हो तो आप कलर और एसेंस भी डाल के डाल सकते हो, जैसे स्ट्रॉबेरी का पिंक कलर डाल दिया और एसेंस डाल दिया। इसी के अंदर मैं, जैसे मेरे पास थोड़ी है तो मैं एक चम्मच क्रश है वो ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ मेरे पास येलो है पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगी, है ना। फ्रेश फ्रूट यूज करके भी आप कॉर्नफ्लोर लेना है 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये हमारा जैसे अब नॉर्मल आ गया तो हमें इसको चिल होने के लिए रख देना है, फ्रीजर में रखोगे घंटे भर में आराम से चिल हो जाएगा। ये देखिए, यदि कलर डार्क चाहिए तो हम लिटिल कलर और ये जो एसेंस है मेरे पास इमल्सन है, एक दो बूंद मैं इसमें और डाल दे रही हूं। आज मैंने आपको ये बेस बताया है तो अगली बार मैं बेस तैयार करके रखूंगी और आपको फ्रूट इसमें कैसे यूज करना है वो बताऊंगी, प्लस चॉकलेट वाली आइसक्रीम कैसे तैयार होगी वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ। हाँ, सेल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। जिनको भी विदाउट केमिकल चाहिए आप उनको ये दे सकते हो, और जिनको वैसे चाहिए तो आप जीएमएस के साथ भी, मैं आपको बेस बनाना बताऊंगी तो आप वो वाला भी दे सकते हो। इसमें आपको कोई भी क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, और टेस्ट इसका बहुत ही अमेजिंग है। तो ये हमारे आज हमने 3 फ्लेवर्स रेडी किए हैं, तीनों हमारे हैं। नहीं, ग्रुप में तो मैं अपडेट कर ही देती हूँ, कोई नहीं है, पर आप पेज को फॉलो करके रखिए। हाँ, आप इसको नेचुरल आइसक्रीम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट सेशन में हम विद जीएमएस भी बताएंगे, और इसका चॉकलेट का वर्जन है उसका बेस अलग बनेगा, तो हम वो भी बताएंगे आपको चॉकलेट वाली। क्या पूछ रहे हो अपेक्षा जी, कहीं पूछ रहे थे पहले जो मिल्क बेस रेडी करा था वो सिर्फ ठंडा करके यूज करना है या डीप फ्रीजर में रख के यूज करना है? आपको मतलब उसको जमे ऐसा नहीं चाहिए, जैसे हम जीएमएस वाले आइसक्रीम बनाते हैं वो हमारी बिल्कुल फ्रिज, उसको हम एट टू 10 आवर्स, जब हम 2 घंटे के लिए किसी चीज को फ्रीजर में रखते हैं तो वो जमने के फॉर्म में नहीं होती है वो बिल्कुल। हाँ, मैं नेक्स्ट सेशन में फ्रूट को कैसे यूज करती है, हमें वॉटरी फ्रूट कैसे यूज करना है, हमें पल्पी फ्रूट कैसे यूज करना है, इसको आप मिनिमम 1 आवर मैक्सिमम 2 आवर, ठीक है ना। थैंक यू शिखा जी, आप तो शेयरिंग करने में आपको कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत बड़ा दिल रखते हो। देखिए ये है ना मेरा जो
ये 250 ml का कप है, तो दो कप लोगे तो आपका हो जाएगा 500 ml, ठीक है ना। और यदि आप 200 का कप लेते हो तो वो 2 कप होगा आपको 400 का। तो इसको अपन 4 कप लेंगे तो ये 1 लीटर हो जाएगी। वन लीटर आइसक्रीम के लिए फिर हमें जैसे पूरा आइसक्रीम नेक्स्ट मैं बताऊंगी, तो जैसे अपने को जैसे इस प्रोसेस में अपना कितना लीटर लगभग हो जाए, 1 लीटर जितना, मेरे हिसाब से 1 लीटर जितना आइसक्रीम हमारे एक में बन जाएगा। शुगर फ्री कैसे बनाते हैं? शुगर फ्री आइसक्रीम का देखिए शीतल जी, मैंने पूरा क्लास दिया है उसका, बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। उसके अंदर जो व्हिप क्रीम यूज करते हैं वो भी अलग होता है ना, तो वो आप क्लास ले सकते हो। बाकी मैं जो विद शुगर, क्योंकि उसका व्हिपिंग क्रीम उसका टोटली प्रोसेस शुगर फ्री का अलग होता है ना। इसमें हमारे विद जीएमएस वाली आएगी और ये वाली आएगी। मिल्क ले लें हमें 1 कप + 2 टेबल स्पून। कप आप जो मेजरमेंट से कप लो वो ले लो, बस उसकी मैं आपको डिटेल आप व्हाट्सएप पे आइए, मैं वहां भेज दूंगी कि हमने क्या क्या उसमें बताया है और क्या फीस है। व्हाट्सएप नंबर है मेरे 9413764728, ठीक है ना। और हमारा गुरुवार को जो क्लास है वो है कुल्फी प्रीमिक्स का, जिसको आप पैकेट बना के और सेल आउट कर सकते हो, बस मिल्क में डाला और आपकी कुल्फी तैयार है। तो आपको किसी को भी क्लास लेना हो तो मात्र 149 उसकी फीस है। तो अब मैं अभी मैं सैटरडे को आऊंगी नेक्स्ट सेशन लेके, क्योंकि परसों मेरा क्लास है और उसके बाद में मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगी। तो इसका हम पार्ट 2 चॉकलेट वाला बनाएंगे बेस, और हम फ्रूट्स में कैसे ऐड करना है इसके साथ फ्रूट्स वो वाला बताएंगे, है ना। बिल्कुल ये नेचुरल आइसक्रीम की ही रेसिपी है, जो कि हम विदाउट केमिकल, हम जीएमएस वाली जो आप मार्केट में खाते हो जैसे अमूल की वगैरह, वो भी हम बताएंगे। कपकेक क्लास की डिटेल देखिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कर दी, उस पर आप एनी क्लास की डिटेल देखिए। 100 की क्लास है, मेरे को याद नहीं है कि किसकी क्या फीस है, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। मारवाड़ी की हमारे जो राजस्थानी थाली की क्लास बहुत जल्दी आने वाली है, वीक में मैं 2 क्लास लगभग ले लेती हूँ, और यूट्यूब पे भी मेरा इसी चैनल से पेज है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू एवरीवन, आपने लाइव अटेंड किया उसके लिए। बाय बाय, जल्दी वापस मिलते हैं।